मरीनगर यानी पीएम मोदी की पहचान से जुड़ी विधानसभा सीट। इस हॉट सीट ने सूबे को 3 बार मुख्यमंत्री दिया और 3 बार नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री बने। गुजरात के सबसे हॉट विधानसभा सीटों में शुमार मणिनगर से ही। नरेंद्र मोदी ने साल 2002, 2007 और 2012 का विधानसभा चुनाव जीता था। 3 बार विधानसभा जीतकर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2017 में बीजेपी के सुरेश पटेल ने कांग्रेस के ब्रह्म भट्ट श्वेताबेन नरेंद्र भाई को हराया था। बीजेपी ने 75,199 वोटों से जीत हासिल की थी। 2017 में मणिनगर में कुल 71.24% वोट पड़े थे। इस बार मणिनगर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। कैसा है माहौल मणिनगर? माहौल मणिनगर अच्छा है। मतलब क्या है, सब सुख सुविधा? सब सुविधा है, कोई कमी नहीं है। हाँ। सब सुविधा भाजपा की दिए लिए। भाजपा की दिए? हाँ, सब 20 वर्ष जब से 1992 से इधर सत्ता पे आए तब से अच्छी सुविधा ही है। अच्छा। और विकास हुआ है, सब हुआ है। गुजरात अच्छा। में बीजेपी का सरकार आएगी, वो आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। वो तो बोलती है मुफ्त में बिजली नहीं, नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए मुफ्त का माल, नहीं चाहिए। मेहनत कमा के खाएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे, हमको मुफ्त का माल नहीं चाहिए। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? बीजेपी आएगी। जो विकास कर रहा है हम उनका ध्यान रखेंगे। अच्छा। अदर पार्टी का क्यों ध्यान रखेंगे? मतलब जिससे मतलब उसका ध्यान। हाँ। मणिनगर विधानसभा सीट अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जिस पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के किरीट भाई सोलंकी ने कांग्रेस के राजू परमार को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। आप पार्टी का मालूम है, उसको देखना ही नहीं है, हमको देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं, समझने की तो बात दूर रही है। कांग्रेस वो भी नहीं मालूम, बस बीजेपी और कुछ नहीं चाहिए। मोदी साहब के सिवाय कोई नहीं आ सकता है। मोदी साहब तो दिल्ली में बैठे हैं। भले दिल्ली में बैठे पर उसके सिवाय उनके, देखो मेरी बात सुनो, बुरा मत लगाना, 15 साल तो यहाँ से ना, ये जितना भी गुजरात का के अहमदाबाद का जो भी डिप्लोमेंट हुआ है तो उनके हिसाब से हुआ। अच्छा। मैं पहले जवानी में भी ऑटो रिक्शा चला के घर जाता था ना, थक जाता था। अच्छा। और ये उम्र में भी मैं ऑटो चला के घर जाता हूँ तो मेरे को महसूस ही नहीं होता कि मैं चला गया है कि नहीं चला गया है। तो ये थे मणिनगर की जनता, मणिनगर की जनता के बोल, जिनका ये कहना है कि मणिनगर एक संभ्रांत इलाका है, पहले से ही काफ़ी समृद्ध इलाका रहा है और अभी भी तमाम लोग यहाँ पर जो है, हमने कई लोगों से बात की, बिजनेस वालों से, ऑटो वालों से, लॉरी वालों से, सबका एक ही मानना है कि मणिनगर की स्थिति से वो बहुत खुशहाल हैं। झुकाव एक ही पार्टी की ओर से दिखाई दे रहा है, कुछ समस्याएं जरूर हैं जिसका निदान वो चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।